लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नौकरी की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आंदोलन के 9वें दिन प्रदर्शनकारियों के द्वारा राजधानी के तूता स्थित धरना प्रदर्शन स्थल के समीप के तालाब में सांकेतिक जल समाधि लेकर सरकार तक अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। 2 अक्टूबर से लगातार डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने और अपनी सहायक शिक्षक पद पर जल्द नियुक्ति की मांगों को लेकर हजारों की संख्या में तूता धरनास्थल नया रायपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कल मंगलवार को धरनास्थल से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रायपुर के चौक चौराहों पर पोस्टर के माध्यम से अपनी मांगों को आम जनता तक पहुंचाया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है 2 अप्रैल को हाईकोर्ट का आदेश आया जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने कहा था कि 6 सप्ताह के भीतर डिप्लोमा अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को विभाग और सरकार ने नहीं माना और इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी और सरकार दोनों ने 8 याचिका दायर किया था। सरकार और बीएड अभ्यर्थियों की इन सभी मामलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त 2024 को सरकार और विभाग को आदेश दिया था कि जल्द डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए। आज हाईकोर्ट के आदेश को आए 8 महीने हो गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 1 महीने से अधिक हो गया है। अभ्यर्थी काउंसलिंग कराकर साल भर से भटक रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.